अब खबर यूपी के अयोध्या से, जहां महंत कमल नयन दास ने कांग्रेस के पूर्वी उत्तर प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के अयोध्या दौरे पर तंज कसा। उन्होंने गांधी परिवार पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने प्रियंका के अंदर रामलला के दर्शनों के भाव नहीं होने की भी बात कही। महंत ने कांग्रेस पर लोगों को बहला फुसलाकर वोट बटोरने का आरोप लगाया और साथ ही प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के पास अकूत संपत्ति होने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। आपको बता दें, महंत कमल नयन दास राम जन्म भूमि न्याय के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं। आप भी सुने क्या कुछ कहा। अब तक तो राम मंदिर का फैसला पूरा का पूरा हो गया होता, लेकिन बदमाश कांग्रेसियों ने, इनके वकीलों ने किस प्रकार से लटका करके ताला इसको करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का, हिंदू बड़ा सीधा होता है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का किस प्रकार से अपमान किया है और हमेशा अपमानित करते चले जा रहे हैं कि इसको टालते चले जा रहे, टालते चले जा, जितना टालो उतना ही अच्छा, उतना ही अच्छा है। रामलला के दर्शन करने के लिए लोग नहीं आते आ रहे हैं और न रामलला से इन लोगों को कुछ लेना देना है। इन्हें तो केवल बस अपनी सियासत करनी है, किसी प्रकार से बहला फुसला करके वोट लेकर के राज्य करो। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।